जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बुधवार को गीडा स्थित पूर्वांचल डेंटल कॉलेज तथा सहजनवा के कसरवाल में बने चेक पोस्ट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने डेंटल कॉलेज के निरीक्षण के दौरान निर्देश दिया कि जो भी एम्बुलेंस बाहर से आ रही है उनकी सघन जाँच की जाए तथा मरीज की स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल या बीआरडी मेडिकल कॉलेज भेजा जाए तथा एम्बुलेंस चालक को डेंटल कॉलेज में ही क्वारंटाइन किया जाए। इसके बाद जिलाधिकारी ने कसरवाल स्थित बैरियर की जांच की और निर्देश दिया कि जनपद में बाहर से आने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जाए तथा एम्बुलेंस को डेंटल कॉलेज में भेजे जाने के उपरांत यह भी जानकारी करे कि वह एम्बुलेंस डेंटल कॉलेज पहुंचा है अथवा नहीं, उसकी भी पड़ताल की जाए जिससे जनपद में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। कितने एम्बुलेंस आई थी डॉक्टर साहब? हमारे सर आए हैं 8-9, एक पेशेंट महाराष्ट्र के गतवादी से थे, उनके भाई को सरवाई सर से बात और उन्होंने साहब से बात की, वो परमिट किया कि जो खास है उनको भेजिए और दोनों लोगों को क्वारंटाइन करिए। ठीक है, कैसे मरा है, क्या खाता है, क्या कैंसर? दो और अभी फोन से आए थे लास्ट लेकर के, वही तो एक अभी कंपेयरगंज वाली आ रही है सर, वो ड्राइवर को रोकना है, हम आपको डायरेक्ट बस्ती से कंपेयरगंज पहुंच गए सर। तो एम्बुलेंस में जो बंदा था वो आगे कर रहे थे, एक आदमी खान पान का बंदा हो रहा है, हमारा जब खान पान आपस में कर रहे हैं नंबरिंग में किए हो, वो बोलिए, वाले